पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर जिलाधिकारी ने CO, SDM और परिवहन विभाग को समय समय पर चेकिंग अभियान चलाने व ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में SSP श्वेता चौबे, RTO अनीता चंद समीर संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी रही। जो हमारे पास डिटेल आई है उसमें लगभग अभी तक के एक्सीडेंट्स का नंबर 22 है और अप्रैल में लगभग 7 एक्सीडेंट्स हुए थे, तो उसमें लेकिन हमारा जो चालानों की संख्या है वो सब्सटेंशियली बढ़ी है और लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली हम लोगों ने लगभग 2.5 गुना से ऊपर हमारे चालान होते हुए नज़र आ रहे हैं और शराब के चालानों की संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई है। फर्दर भी मैंने यही टारगेट दिया है कि जल्दी से जल्दी शराब के चालानों को बढ़ाया जाए और हमारा क्रैश बैरियर का अप्रैल मंथ का लगभग 1400 मीटर की प्रोग्रेस हमें और मिली है। और जो इम्पोर्टेंट रोड हैं जिसमें नीलकंठ या आपका सौड़ की जो रोड है जिनकी कंडीशंस ख़राब है, तो उस पर भी क्रैश बैरियर जल्दी से जल्दी लगाए जाने के लिए निर्देशित।